टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है। इकोनॉमी मतलब आपकी जो ये इकोनॉमी है ये वर्ड कहाँ से लिया गया है या किस चीज से रिलेटेड है। ये हमारा वर्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है जो आपके बुक है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। वो इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हंड्रेड रुपीज़ से हम क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। 100
प्रोडक्शन कर रही है, कपड़े का प्रोडक्शन कर रही है या किसी को चीज का प्रोडक्शन कर रही है, मशीनों का प्रोडक्शन कर रही है, तो हम उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। टेक्निक में हमारे दो टेक्निक होती है, LRT और CIT। LRT की फुल फॉर्म होगी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर और कैपिटल में डिफरेंस करना है यहाँ पे, लेबर और कैपिटल। लेबर मतलब श्रमिक, जो श्रमिकों की तंगी होती है, मजदूर वर्ग, और वहाँ पे जो हमारी मशीनों वाली तंगी होती है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर हम यूज करते हैं तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा, जो हमारी कंपनी है उसमें इम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम यूज करते हैं तो उससे हमारा जो इम्प्लॉयमेंट का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, लोगों को रोजगार है वो मिलना कम हो जाएगा, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और कैपिटल का यूज करते हैं तो जो इम्प्लॉयमेंट रेट है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस कैसे करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस कितना करना है, कितना करना होगा, जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमें जो हमारी जो डेवलपमेंट क्लासेस हैं या हमारे अपर क्लासेस हैं या लोअर क्लासेस हैं, हम भी सोचते हैं इसके लिए अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें प्रोडक्शन किसके लिए करना है, लेकिन फिर भी हमें ये देखना होता है कि हमें हाउ कितना प्रोडक्शन करना है, इतने का मतलब कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो कितनी प्रोडक्शन के पॉइंट को कंज्यूम कर लेती है, ज्यादा करेंगे हमारे देश में डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो हम प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे। अगर मान लो कार का जो एग्जाम्पल देते हैं, कार की डिमांड यहाँ पर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो हम उसका प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर कार की डिमांड हमारी कम हो जाती है तो हम उसका प्रोडक्शन भी कम ही करेंगे। तो हमें ये डिसाइड करना होता है इकोनॉमी में देखकर कि किस चीज की डिमांड है जो अभी करंटली चल रही है, तो हम उसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा चल रही है तो उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, और अगर डिमांड कम चल रही है तो उस चीज का प्रोडक्शन कम करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फोर होम टू प्रोड्यूस, फोर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम उत्पादन किसके लिए करेंगे, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए करेंगे। इसमें हमारे जो पॉपुलेशन होती है उसके टैगरी हो जाते हैं, जो एक होती है पर्सन कैटेगरी, पर्सन का मतलब जो हम जैसे किसान होते हैं, हमारे खेती करते हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए का मतलब जैसे उन्होंने गेहूं का उत्पादन किया है तो सिर्फ अपने घर में चीज को रखेंगे या जाके मतलब मार्केट को उसको सप्लाई करते हैं, एक तो ये होता है। तो एक होता है कि हमने जो प्रोडक्शन किया है वो हमने अपने हाउस होल्ड सेक्टर के लिए किया है या फिर मार्केट सेक्टर के लिए भी किया है, तो हमें यहाँ ये डिसाइड भी करना पड़ता है कि जो हमने प्रोडक्शन किया है गेहूं का, चावल का या किसी और चीज का, तो वो हमने प्रोडक्शन अपने फैमिली के लिए किया है, बाकी सारे मार्केट के लिए नहीं किया। तो ये हमारे यहाँ पर तीन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फोर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन प्रॉब्लम हमें सोल्व करनी है।